हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंडोट्रैकियल ट्यूब इंटुबेशन। इंडोट्रैकियल ट्यूब इंटुबेशन एक प्रोसीजर है। इसमें हमें उन सभी पॉइंट्स को ध्यान देना है जो हमें एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हों, उन सभी को हमें देखना है। तो आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। इंडोट्रैकियल ट्यूब क्या है? इंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्शन ऑफ इंडोट्रैकियल ट्यूब थ्रू नोज या माउथ इनटू द ट्रैकिया, किस लिए? यानी कि मेंटेन द एंड एस्टेब्लिश द एयरवे, यानी कि एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द एयरवे करने के लिए जो हम इंडोट्रैकियल ट्यूब ओरल के थ्रू या नोज के थ्रू हम इंसर्ट कर रहे हैं ट्रैकिया में, उसी को हम इंडोट्रैकियल ट्यूब इंटुबेशन कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि क्या है। इंसर्शन ऑफ इंडोट्रैकियल ट्यूब इनटू द ट्रैकिया बाय द ओरल या नोज टू मेंटेन द एयरवे एंड एस्टेब्लिश द एयरवे, तो ये हमारा इंडोट्रैकियल ट्यूब कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं पर्पज ऑफ इंडोट्रैकियल ट्यूब इंटुबेशन। यानी कि तो हम पर्पज की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने पहले कहा, मेंटेन द एयरवे, दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई के लिए या ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और तीसरा अगर बात करें तो रिमूव द सिक्रीशन। फोर्थ बात करें तो वेंटिलेशन के लिए भी यूज करते हैं, और फिफ्थ जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। तो हम पर्पज एक बार फिर इसको रिपीट करेंगे कि मेंटेन द एयरवे, ओटू सप्लाई या ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रिमूव द सिक्रीशन, जो सिक्रीशन है उसको रिमूव करने के लिए, या वेंटिलेशन एंड जो यो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स एजेंट एट द टाइम सर्जरी। तो ये फाइव जो इसके पर्पज हैं, इस पर्पज को माइंड में रख करके इंडोट्रैकियल इंटुबेशन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि जब किया जा रहा है तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर के टाइम पर हमें क्या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी, आर्टिकल रिक्वायर्ड हमें क्या क्या किसी प्रोसीजर के करने के पहले हमेशा याद रखिए। कोई भी प्रोसीजर करिए उसमें हमेशा आप लोगों को सबसे पहले उसमें जो आर्टिकल्स जो इक्विपमेंट की जरूरत है उनको कलेक्ट करना होगा, यानी कि ट्रे कंटेनिंग करनी होगी। तो उसमें आपको ग्लव्स होने चाहिए, यानी कि ग्लव्स जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह इन्फेक्शन को ले जाने से रोकेंगे। जाइलोकैन जेली होनी चाहिए, उसके साथ साथ ओरल जो एयरवे है उसको होना चाहिए, सक्शनिंग ऑपरेटस होना चाहिए, इंडोट्रैकियल ट्यूब होना चाहिए, लैरिंजोस्कोप होना चाहिए, और जो इसके साथ साथ जो स्वैब होने चाहिए, जो स्वैब हैं उनको होना चाहिए, और इसके बाद में एम्बो बैग भी जरूरी है इसमें, और इसके बाद ओटो सोर्स वहां पर होना बहुत जरूरी होता है। जब भी कभी इंडोट्रैकियल ट्यूब इंटुबेशन होता है तो वहां पर ऑक्सीजन का सोर्स होना बहुत जरूरी रहता है। तो ये आप लोगों को जो हमने इसके आर्टिकल बताए
जो इक्विपमेंट बताए ये आप लोगों को याद रखना होगा किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले। इसके बाद बात करते हैं पोजीशन। पोजीशन क्या मेंटेन करनी है उसकी, पोजीशन जब इंडोट्रैकियल ट्यूब इंटुबेशन करेंगे उस टाइम पर सुपाइन पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन देने के साथ साथ उसका जो हेड होगा उसको हल्का टिल्ड किया जाएगा, हेड टिल्ड, उसका जो हेड होगा पीछे की तरफ थोड़ा टिल्ट किया जाएगा। और उसके बाद टिल्ट होने के साथ साथ उसका जो ये चिन होगी, जो इसकी चिन होगी ये थोड़ी, तो इसको जो है हल्का लिफ्ट किया जाएगा। तो ये आपको इसको पोजीशन से रिलेटेड याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाएगा इंडोट्रैकियल ट्यूब इंटुबेशन के टाइम पर पेशेंट की जो पोजीशन क्या होनी चाहिए, पोजीशन आपको सुपाइन याद रखना। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि उसका जो हेड है वो टिल्ट होना बहुत जरूरी रहता है और जो इसकी चिन है उसको लिफ्ट होना बहुत जरूरी रहता है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं जो कफ है, कफ प्रेशर। जो इंडोट्रैकियल ट्यूब होती है उसको जब आप देखेंगे तो उसमें होता क्या है कि उसमें एक कफ लगा होता है, वो कफ वहां पर उसको फिक्स करने के लिए, तो उसका कफ का जो प्रेशर होता है, कफ का प्रेशर जो है 20 से 25 mm ऑफ Hg होना चाहिए। ये आपसे पूछ लिया जाएगा MCQ टाइप से पूछ लिया जाएगा या किसी और तरीके से, तो आप लोगों को ये याद रखना होगा कि कफ का प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, वो 20 से 25 mm ऑफ Hg याद रखना होगा, ये आप लोगों को इसमें ध्यान देना है। और इसके बाद जो जो इसका कफ प्रेशर मॉनिटरिंग ऑफ कफ प्रेशर को आपको एवरी 8 आवर प्रत्येक 8 घंटे पर जो कफ प्रेशर है 20 से 25 mm ऑफ Hg उसको आपको एवरी 8 आवर्स के अंदर चेक करना होगा या मॉनिटर करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना होगा। इसके बाद जो हम अब बात करते हैं जो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस हिसाब से आपको किस साइज की जो है आपको इंडोट्रैकियल ट्यूब सेलेक्ट करनी है, तो इसमें साइज क्या होना चाहिए इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग बताना चाहेंगे कि आप लोगों को बहुत आसानी से ये याद रह सके। तो आपको जिस हिसाब से एक स्टेज होती है न्यूबॉर्न इन्फेंट चाइल्ड अप टू टेन ईयर चाइल्ड अबव 10 ईयर अब एडल्ट, पहले आपको ये याद रखना होगा कि न्यूबॉर्न इन्फेंट चाइल्ड अप टू 10 ईयर चाइल्ड अबव 10 ईयर एंड एडल्ट कंडीशन। अब इसको आपको याद रखने के लिए ये 2.5 से 4 mm इसका न्यूबॉर्न के लिए इंडोट्रैकियल ट्यूब का साइज यूज करेंगे, इन्फेंट के लिए 4 से 4.5 mm का यूज करेंगे। अब चाइल्ड जो 10 साल तक के चाइल्ड हैं उनको 5 से 7 mm का साइज जो होगा इंडोट्रैकियल ट्यूब का उसको यूज करना है। अब बात करते हैं जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको हमें 7 से 8 mm का साइज यूज करना है, इसका प्रिफर करना होगा। इसके बाद
एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में क्या होता है कि इसमें 8 से 9 एमएम का साइज यूज करते हैं। लेकिन हम इसमें आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो एडल्ट है इसमें मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। तो अगर इसके हम रेंज की बात करें तो मेल का जो है 7 से 9 एमएम और फीमेल का जो है फीमेल 6.5 से 8.5 एमएम, ये इसका रहेगा रेंज। और अगर इसके एवरेज की बात करें तो एवरेज जो इसका है इसको मेल के लिए 8 एमएम का यूज करते हैं और इसके लिए 7 एमएम का यूज करते हैं। तो ये आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इसमें क्वेश्चन बनने वाले हैं वो ये साइज पर है। तो साइज आप लोग एक बार फिर से देखें, न्यूबॉर्न 2.5 से 4 एमएम का साइज जिस इंडोट्रेकियल ट्यूब का होगा वही प्रेफर करना है। इन्फेंट के लिए 4 से 4.5 एमएम और चाइल्ड अप टू 10 ईयर 5 से 7 एमएम, चाइल्ड अबव 10 ईयर 7 से 8 एमएम, एडल्ट 8 से 9 एमएम और एडल्ट में मेल के लिए 7 से 9 एमएम के बीच में। और अगर उसका बिल्कुल ये रैंक ये एवरेज बोला जा रहा है तो 8 एमएम की प्रिफर करनी होगी और फीमेल के लिए 6.5 से 8.5 यूज करना है। और इसको अगर ये एवरेज बोला जा रहा है तो 7 एमएम की यूज करनी है, फीमेल में जो ये एवरेज है 7 एमएम की यूज करनी है, ये आप लोगों को याद रखना है इसमें। और इसके बाद जो इसमें और अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो बात ये है कि प्लेसमेंट ऑफ इंडोट्रेकियल ट्यूब, जो इंडोट्रेकियल ट्यूब है उसका प्लेसमेंट सही हुआ है या नहीं, ये यहां पर जब इंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट कर दी जा रही है तो आप लोगों से ये क्वेश्चन यहां पर एराइज होता है कि प्लेसमेंट जो इंडोट्रेकियल ट्यूब का है वो क्या होना चाहिए। ये जो कैरिना होता है इंडोट्रेकियल ट्यूब का, ये जो कैरिना होता है इसके यहां से जो इसकी पोजीशन होती है 1 से 2 सेंटीमीटर अबव। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्लेसमेंट ऑफ द इंडोट्रेकियल ट्यूब होना चाहिए वो अबव कैरिना 1 से 2 सेंटीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट, अबव कैरिना 1 से 2 सेंटीमीटर, ये कैरिना पार्ट होता है जब इंडोट्रेकियल ट्रैकिया पढ़ेंगे लंग्स पढ़ेंगे उसमें ये जो पार्ट कैरिना होता है वहां से उसको 1 से 2 सेंटीमीटर अबव होना बहुत जरूरी रहता है। और इसके बाद में जो हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं इसको प्लेसमेंट का, तो कंफर्मेटरी टेस्ट इसका सबसे अच्छा अगर कंफर्मेटरी टेस्ट है तो वो एक्सरे है, एक्सरे के द्वारा इसको बिल्कुल हम कंफर्म करेंगे कि इंडोट्रेकियल ट्यूब जो हमारी बिल्कुल फिक्स पोजीशन पर है, ये हमें याद रखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आफ्टर इंसर्शन ऑफ या आफ्टर प्रोसीजर जो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है एज ए नर्स, तो आफ्टर प्रोसीजर तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा इसमें कि उसको हमें जो जिस व्यक्ति को इंटुबेशन किया गया है उसमें क्या है कि उसको ये जो कभी अलोन नहीं छोड़ना है, कभी बेड पर अकेले नहीं छोड़ना है, नेवर पेशेंट को कभी अलोन नहीं छोड़ना है, अकेला नहीं छोड़ना है, नेवर अलोन पेशेंट। दूसरा जो है उसका वॉच वाइटल साइन, उसका जो वाइटल साइन है उसको बिल्कुल हमें टाइम पर चेक करना है और उसको हमें रिकॉर्ड करना होगा ये। और इसके बाद अगर बात करें कि अगर उसको किसी सिक्रीशन है
सिक्रीशन हो रहा है तो रिमूव करना है, रिमूव सिक्रीशन जो भी सिक्रीशन है, और जो सिक्रीशन है उसको हमें सक्शन के द्वारा बाहर रिमूव करना है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो प्रिवेंट इन्फेक्शन ये सब हमें जो हम बता रहे हैं ये प्रोसीजर करने के बाद में हमें एज ए नर्स ये सब हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि उसको हमें इन्फेक्शन से बचाना है, और इन्फेक्शन के साथ साथ उसको हमें ओरल हाइजीन अच्छे से देना है। ओरल हाइजीन यानी कि उसके जो ओरल है उसको अच्छे से साफ सफाई रखनी है इस प्रकार से, और अगर उसको किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो हमें उसको भी रिमूव करना है, इस हिसाब से हमें क्लियर करना होगा। और क्या करना है, ओटो सप्लाई जो है उसकी, उसको हमें ओटो सप्लाई अच्छे से मेंटेन करनी होगी। ओटो सप्लाई के साथ साथ उसका जो हम अगर पेशेंट में कहीं साइनोज कंडीशन, कोई साइनोसिस कंडीशन देखने को मिल रही है तो हमें उसको जल्दी से जल्दी हमें उसको ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करनी होगी। इस तरीके से हम इसको आफ्टर केयर आफ्टर प्रोसीजर हम केयर प्रदान कर सकते हैं, उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो इसमें ये होता है कि जब ये सब कंप्लीट हो जाता है तो उसके साथ आपको एक बात ये बहुत जरूरी याद रखना होता है कि हमें जो ट्रैकेस्टोमी ट्रे होती है, ट्रैकेस्टोमी इमरजेंसी ट्रैकेस्टोमी ट्रे जो है वो वहां पर आपको रखना बहुत जरूरी रहता है। हो सकता है आपको इससे जो है ये अच्छे से सफल ना हो सके, तो हो सकता है आपको वहां ट्रैकेस्टोमी करनी पड़ जाए, तो आपको वहां पर पेशेंट के बेड साइड पर ट्रैकेस्टोमी इमरजेंसी ट्रैकेस्टोमी ट्रे जो है उसको मेंटेन करके रखना होगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये प्रोसीजर अच्छे से कवर हुआ होगा। अब अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को इसमें डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर आप लोग अभी एमकेजी नर्सिंग स्टडी पॉइंट पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार के आप लोगों के पास नए नए अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।